कढ़ैया चाहिए खाली। काय तक ले गए, कढ़ू ले गए। तो तुम्हारे जीजा जी है? क्या नाम है आपका? कांता। कांता जी, दीपावली नजदीक आ रही है, दिए यहाँ बनते हैं। हाँ, तो पिछले क्या देखा जाए कि पिछले मुकाबले इस बार ज्यादा बिक रहे हैं कि कम? पिछले मुकाबले से आपका ज्यादा बिक रहा है। ज्यादा बिक रहे, ज्यादा बिक रहे हैं आई समझ में। हाँ। और सभी आइटम ज्यादा ही उठ रहे हैं दीपावली के चक्कर में। अच्छा अच्छा, कितने लगभग आइटम बनते हैं यहाँ पर? लगभग आइटम बन जाते हैं, 6-7 आइटम तो बनते ही बनते हैं दीपावली के। अलग अलग चीजें जो बनते हैं, अलग अलग चीजें, जैसे ये दीपक है, चिराग है अलग से, कड़ुए हैं अलग से, एक मलसिया अलग से, अगोई आठे की। तो ये जो बनाती हैं आप, यहाँ से मतलब दुकानदार खरीदने आते हैं कि ग्राहक ही आते हैं? ग्राहक ही आते हैं, दुकानदार नहीं आते हैं खरीदने को। अच्छा, मतलब वो अब दुकानों पे सप्लाई होता है माल, वैसे वो वैसा कुछ नहीं जाता है। तो नगर की ज्यादा मानो दुकानदार, मतलब ऐसा है ना कि जैसे हमसे खरीद लिए, आगे चल के बेच दिए उन लोगों ने, ये ऐसा होता है। तो पहले के मुकाबले बढ़ोतरी है? बढ़ोतरी। अच्छा, वैसे यह मानना है आपका या फिर यही मानते हैं सब लोग कि घर में दिए जलाने से लक्ष्मी? दिए जलाने से लक्ष्मी भी आती है और अपने घर में भी सब बात की सुविधा अच्छी रहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज जी, ये जो नए नए कलर भर रहे हैं, क्या है इसका पूरा? ऐसा है जी, हम ये इस बार नए प्रकार के दिए बना रहे हैं, जिसमें हमारे देश में पुराने समय से मिट्टी के मिट्टी के दियों में जलाने का, दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाने का प्रथा थी, लेकिन अब चाइनीज झालर ने सब खत्म कर दिया है। तो अब हमने ये डिजाइनदार दिए बनाए हैं, पहले मिट्टी के सादा बनते थे, अब के डिजाइनदार ऐसे बनाए हैं कि वो लोग समझ सकें कि चाइनीज झालर को छोड़ के दिवाली के दिए मिट्टी के दिए में जलाए जाएं। मिट्टी के दिए से लक्ष्मी, घर में लक्ष्मी आती है, शुभ होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हमने ये नई शुरुआत करी है इस बार। क्या लगता है मार्केट में आपको पिछली बार से कुछ इजाफा होगा? इस बार पहले के मुकाबले फर्क पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने भी इसमें बहुत काफ़ी पहल की है और उस चीज़ का काफ़ी फर्क पड़ेगा। प्रशासन भी मदद करेगा, प्रशासन ने भी एक ऑर्डर दिया है हमें, उसकी भी हमें करनी है। क्या नए बिरंगे? जी जी जी। कितने कुल ये जो दीपक हैं? 2500। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यारे लाल है। प्यारे लाल जी, ये देखा आपको मिट्टी के बर्तन आप बनाते हैं यहाँ पर, दिए वगैरह, तो पिछली बार से इस बार ये सीजन दिवाली पे आपको क्या उम्मीद है? हाँ सर, उम्मीद है, जब से प्लास्टिक का काम खत्म हुआ है तो कम हो रहा है, इससे दीपकों का काम बढ़ोतरी हो सकती है, 20% की बढ़ोतरी तो दिखाई दे रही है। परंतु हम योगी की सरकार से ये है कि ये प्लास्टिक का पूरा काम, ये बिजली वगैरह की जो झालर वाले हैं चाइना वाली, ये समाप्त कर दी जाए, जिससे कि इस काम की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सरसों का तेल जलने से घर में शुद्धि होती है और लक्ष्मी आती है। कितने सालों से आप ये काम करते हैं? मैं कम से कम 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, वैसे हमारे बुजुर्ग करा करते थे। खानदानी काम आपका? हाँ, पुराना खानदानी काम है। तो पहले के मुकाबले जैसे पुराने बुजुर्ग आपके काम करते थे, हाँ, तो इस बार बढ़ोतरी इस काम में दिखेगी आपको? हाँ, कुछ आशा लग रही है कि कुछ बढ़ोतरी हो जाए प्लास्टिक मुक्त होने से। अच्छा, भारत सरकार या योगी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि एक तो यहाँ मिट्टी उपलब्ध कराई जाए, और ये जो हाथ के चाक हैं, ये खेत में बुजुर्गों को बड़ी परेशानी होती है। मिट्टी की उपलब्धता में किस तरह की परेशानी है? मिट्टी यहाँ मिलती नहीं है, अगर है भी तो वो चोरी से लाते हैं लोग, बाग खोद कर उसको, क्योंकि यह है नहीं। अगर यहाँ 10-5 बीघे कुम्हारों को मिट्टी उपलब्ध हो जाए तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं,